जेल मध्ये जाण्यापेक्षा
नहीं है, जो हिंदू आहे तो हिंदुस्थानामध्ये जो आहे तो फक्त हिंदू आणि हिंदू आहे. हम लोगों को जो डेवलपमेंट करना है एक तरीके से, देखो अटल बिहारी बनने के पहले ये जो नदी जोड़ प्रकल्प था ये पीवी नरसिंह राव ने चालू किया था, जबकि कुछ कारण से वो आगे नहीं बढ़ा. जबकि हर बात में सूखा और गिल्ला ये प्रॉब्लम हर साल आता है, और फिर इन लोगों की जो कैपेसिटी है ये फंडिंग की चालू हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए. जो अपना क्षेत्रीय प्रधान देश है ये पहले किसानों के हल करेंगे, तो आज जो भी महीने है किसान अगर ठीक तरीके से खाना पकता है, जो भी अनाज पका है, तो उसके ऊपर जो हिसाब से जहाँ पे सूखा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नदी रोड को ऑलरेडी 10 साल सूरज प्रदूष आपको रखा गया था, उसका क्या हुआ, उसके फंड का क्या हुआ. ऐसे कितने सारे फंड प्रॉब्लम है कि जो देखो तत्काल टिकट यहाँ पे सब लोग निकालते हैं, तत्काल के बाद अगर नहीं मिला तो उसका कैसा रिफंड आता है. वेटिंग लिस्ट में हम लोगों को टिकट होने के बावजूद हमारे पैसे का क्या होता है, उसका कोई जवाब है. कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो होने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में नहीं ऑल ओवर इंडिया में कितने टिकट बनाना चाहिए, एक बोगी में कितने बोगी होती है, कितने डिब्बे होते हैं, उसका क्या. और तुम टिकट कितने बनाते हैं, 4-4 महीने पहले से वेटिंग लिस्ट जाता है ना, कोणाला ही आपल्याला सर्वात आगळा माणसांना आपल्याला ट्रेन मध्ये जावं लागतं. 4 महिने 3 महिने अगोदर आपण तिकीट बुक करतो, वेटिंग मध्ये असल्याबरोबर आपल्याला अशी असते की नंतर नाही असल्यावरती आपल्याला वेटिंग सीट आहे मध्ये चढू देत नाही डीसी, त्या पैशांचं काय. असे कितीतरी मुद्दे आहे त्याच्यामुळे आपण इथे बसलोय. टिकाव काय हे जनता ठरवणार आहे, कोणाला टिकाव करायचं आणि कोणाला नाही. लोक पब्लिक तर जाते कोणाला काय करायचं आणि काय नाही, हे पब्लिक आहे. ही पार्टी मतदारसंघामध्ये माहीत आहे का आहे ना, माहीत आहे. आम्ही स्वतः म्हणजे कोविडमध्ये हे लोक नव्हते, त्यावेळेसपासून आम्ही रस्त्यावरती म्हणजे डिपार्टमेंटला सकाळी चहा पाणी नाश्त्यापासून आम्ही स्वतः फिरायचो, लोकांना जिथे जिथे आम्ही राज सवाल गरीबी के लिए, पहले यहाँ पे गरीबी मुक्त करना है, तो आपको जितने भी ये नए इन्वेस्टमेंट आया है ये कंपनियों का, ये CRS जिनका पैसा पड़ा है इसका रिजर्व कंपनियों के अंदर रिजर्व पैसा जो है वो आपको अपने पास लेना पड़ेगा, सरकार अपने ताबे में ले. इस ये जब पैसा जो है ये पैसा गरीबों के ऊपर लगे कर सकते हैं, मगर ये उसको ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए मनी के लिए जनरेट करने के लिए ये रखा नहीं गया. और ये अपना जो सा है ना सबसे पहले ये अभी जो चल रहा है इसके लिए 5 साल के लिए समर्थन हम करेगा 10 किलो का, क्योंकि ये 10 किलो होना चाहिए. आप किसी भी घर में जाते हैं उसको आधा पहला राशन ही मिलता है. सवाल आगे तीसरा है हिंसा मुक्त. आपने जो से दंगे फसाद की पार्टियों ने जो ये अचानक अपने इनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी. ये आज जितनी भी है अभी तक भी जो भी एजेंसियों ने दंगे फसाद किए हैं कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई इस समय. राज सवाल तीसरा, उसके बाद अगर देश को ऊपर लाना है तो सबसे पहले आपको खेती को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा. उसके यही एक हमारे सामने सबसे बड़ी अपनी कैपिटल है. आप बोलेंगे कि हम रोजगार के लिए फैक्ट्री हमने लगाया हुआ है, आपने सब प्राइवेटाइजेशन में डाल दिए. ये पूंजीपति को रोकना पड़ेगा. बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल वो हर इनके ऊपर 5 साल का लगाम लगाना पड़ेगा कम से कम कि ये पैसा लेके नहीं जाए. यहाँ पे गैम्बलिंग जो शेयर मार्केट में पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट निवेशों में किया जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. रहा सवाल अपने जो ये पूंजीपति अपने निजी स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट के जो नेता लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसा रखा है वो सरकारें बनाने और तोड़वाने के लिए इसके लिए आपको एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा. और इसके लिए सबसे बड़ा रोल रहेगा वो पत्रकारों का रहेगा. आप मीडिया ये जो हाउसेज हैं ना ये सब आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं, ये कोई रहेगा नहीं, लॉस हो जाएंगे सारे. ये आप छोटे से ऊपर आओ, अपने आप को बढ़ाओ, आप ये देश उन्नति के तरफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा. रहा सवाल
अभी तक रुपया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे 3 रेवेन्यू हैं जो इनकम सोर्सेज के सरकार के, वो अगर सरकार के सही इस्तेमाल होते हैं तो आपको ये भ्रष्टाचार और इसमें गरीबी मुक्त अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाइना का उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, कोई एग्जांपल चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पूरा होमवर्क किया अभी। हाँ, मेरा चुनाव चिन्ह हमने अभी तो पहले सबको आज इकट्ठा किया था कि भी एक प्लेटफॉर्म पे आइए और लोगों से आप चर्चा करिए। मेरा चुनाव चिन्ह फाउंटन है। अगर मेरे एरिए में मुझे चुनाव चिन्ह में फाउंटन के अंदर मुझे लोग पसंद करते हैं, 3 साहब के पास 21 कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, 21 में से आप अच्छे कैंडिडेट को किसी एक को चुन लो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ दो को छोड़ के, दो को छोड़ के आप किसी को भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं। रिक्शा को चुनो, मगर आप ये देखो, वो जिम्मेवारी आप लोगों का। ये जब पब्लिक में जागृति आप ला सकते हैं, अपनी तरफ से जितनी जागृति हो सकेगी हम लाए। और इसके अलावा कोई सवाल है तो बताइए, हो गया ना।